हेलो दोस्तों, मैं रानू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे और आपके इसी YouTube चैनल स्मार्ट टैग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पैन कार्ड के बारे में। अगर आपका पैन कार्ड गुम हो जाता है तो यहां पर किस तरीके से आप अपने पैन कार्ड को निकाल सकते हो, मतलब कि डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर अगर आपका पैन कार्ड गुम हो गया है तो मैं यहाँ पर आपको पैन कार्ड से रिलेटेड सारी चीजें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से लॉस्ट हुए पैन कार्ड को किस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों लॉस्ट हुए पैन कार्ड को पाने के लिए सबसे पहले तो आपको समझना जरूरी है कि पैन कार्ड बनता कैसे है, यहाँ पर किन वेबसाइटों से बनाया जाता है, इसकी क्या कैसी की प्रोसेस होती है। उसके लिए आपको आई बटन में एक लिंक देख रही होगी वीडियो को, जहाँ पर मैंने बताया है विस्तार से किस तरीके से अगर आप पैन कार्ड बनाना चाहते हो तो ऑनलाइन बना सकते हो, क्या कैसी क्या प्रोसेस है पैन कार्ड बनाने की, सारी डिटेल्स इस आई बटन की लिंक पर आपको मिल जाएगी। अगर आप पैन कार्ड बनवाते हो तो यहाँ पर आपके पास दो माध्यम होते हैं पैन कार्ड के, पहला तो NSDL, दूसरा UTI, ठीक है ना। यहाँ पर NSDL पैन कार्ड बनाने की जो भी सुविधा देता है वो किसी ना किसी डायरेक्ट डीलर के माध्यम से देता है, मतलब कि अपने द्वारा एक डीलर से प्रोवाइड कराता है, उसी डीलरशिप के अंतर्गत वो डीलर यहाँ पर पैन कार्ड बनाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन की जितनी भी सुविधाएं बहुत कम देखने को मिलती है NSDL के अंदर। इसके बाद बात करते हैं UTI की। पैन कार्ड बनाने के लिए किसी भी डीलरशिप को लेने की जरूरत नहीं होती है, सिंपली यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट पोर्टल होती है, यहाँ पे जो भी ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड पोर्टल होते हैं उन्हीं पोर्टल पर UTI की सुविधा दी जाती है। आप यहाँ पर कुछ हजार 2000 रुपए पे करके यहाँ पर इसका ID पासवर्ड ले सकते हो और यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड बनाना स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप UTI के थ्रू पैन कार्ड बनाते हो तो आपको पब्लिकली सर्विसेस ज्यादा देखने को मिलती है, और अगर आप NSDL से बनाते हो तो पब्लिक सर्विसेज कम देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी जो भी सर्विसेज NSDL के माध्यम से देखने को मिलती है वो सॉलिड होती है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका पैन कार्ड गुम हो जाता है तो यहां पर आपको क्या करना होगा। अगर आपका पैन कार्ड गुम हो जाता है, मान लीजिए आपने UTI के थ्रू अपना पैन कार्ड बनाया था, तो यहां पर अगर आपका पैन कार्ड गुम हो जाता है तो तब ऐसी कंडीशन में आप अपना पैन कार्ड का PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो ई फिलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट से, वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन उसके लिए आपको पैन नंबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पर एक ही तरीका होता है कि आपके पास जो आपका पैन नंबर होता है, मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास पैन नंबर भी नहीं है तो यहाँ पर पैन नंबर कैसे पा सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास पैन नंबर होना चाहिए, और पैन नंबर के माध्यम से आप रीऑर्डर करवा सकते हो अपना पैन कार्ड। लेकिन यहाँ पर NSDL की ये सुविधा मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर आपने UTI के थ्रू भी बनाया हो तो यहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हो, और आपने NSDL से बनाया है पैन कार्ड तब भी आप अपना रीऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पर सिंपली आपको अपना पैन नंबर डालना है और यहाँ पर सिर्फ 50 रुपए की पेमेंट कर देनी है। यहाँ पर कोई भी फॉर्म वगैरह आपको नहीं भरना है, सिंपली गूगल पर सर्च कर देना है NSDL रीप्रिंट पैन कार्ड। इसके बाद जो भी फर्स्ट लिंक आएगी वहां पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको पैन नंबर डाल देना है। पैन नंबर डालने के बाद सिंपली आपको मोबाइल नंबर वगैरह छोटी मोटी हल्की फुल्की डिटेल्स भरनी होगी, इसके बाद एड्रेस भरना होगा, इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा और 50 रुपए की पेमेंट कर दीजिएगा, तो आपके सामने पेमेंट रिसिप्ट आ जाएगी। पेमेंट करने के 15 से 20 दिन के बाद पैन कार्ड कुरियर के माध्यम से आपके घर पर आ जाएगा, बिल्कुल नया पैन कार्ड नए फॉर्मेट में आपके घर पर आ जाएगा। यहाँ पर दूसरी तरफ मैं आपको UTI की एक और खास बात बताता हूँ कि यहाँ पर अगर आपने UTI के थ्रू पैन कार्ड बनाया है तो यहाँ पर आप जैसे ही पैन कार्ड बनाने के लिए डालते हो तो 5 से 6 दिन के बाद जो भी आपने ईमेल आईडी डाली होगी उसी ईमेल आईडी पर आपका पैन कार्ड सेंड कर दिया जाता है। अपोजिट NSDL में कोई भी पैन कार्ड सेंड नहीं किया जाता है, लेकिन जो आपकी UTI की वेबसाइट होगी वो आपका PDF फॉर्मेट आपके बताई हुई ईमेल एड्रेस, मतलब कि फॉर्म भरने के दौरान जो भी आपने ईमेल एड्रेस डाला है उस पर सेंड कर देगी। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज मुझे ये भी लगती है। और दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं कि अगर आपके पास पैन नंबर भी नहीं है तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में आप कैसे अपना पैन कार्ड निकालोगे। तो स्क्रीन पर आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर दिख रहे होंगे, इन हेल्पलाइन नंबर में से किसी भी एक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिएगा। ये पैन कार्ड और UTI की ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर सिंपली आपको कॉल करना है और इनको अपनी पूरी डिटेल्स बता देनी है, जैसे कि आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नाम की स्पेलिंग और अपना एड्रेस। तो यहाँ पर ये आपको आपका पैन नंबर
और बता देंगे। पैन नंबर नोट कर लीजिएगा। पैन नंबर नोट करने के बाद आप चाहें तो आप यूटीआई की वेबसाइट के माध्यम से आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप एनएसडीएल की वेबसाइट से डायरेक्ट रीप्रिंट के लिए ऑर्डर कर सकते हो। मैं यहाँ पर सबसे बेस्ट सजेशन आपको देना चाहूंगा, देखिए अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपको पीडीएफ का प्रिंट निकलवाना होगा किसी भी ऑनलाइन की दुकान पर जाकर, तो यहाँ पर 30-40 रुपए 50 रुपए तो आपके खर्च होंगे। और दूसरी तरफ आपको यहाँ पर उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी पैन कार्ड की जो ओरिजिनल पैन कार्ड की क्वालिटी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप पैन कार्ड को दोबारा रीऑर्डर ही करें, क्योंकि रीऑर्डर करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। यहाँ पर डाउनलोड करने से अच्छा ऑप्शन मुझे रीप्रिंट ऑप्शन बेहतर लगता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आपके एड्रेस पर ओरिजिनल पीवीसी प्लास्टिक पैन कार्ड आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर पैन कार्ड को रीऑर्डर करना है और यहाँ पर किस तरीके से डाउनलोड करना है, पैन कार्ड डाउनलोड करना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पर पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आपको गूगल पर सर्च कर देना है डाउनलोड पैन कार्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट लिंक आ जाएगा, यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करते हो तो देखिए अगर आपके पास पैन कार्ड की रिसिप्ट रखी है तो यहाँ पर क्लिक करें, और अगर आपके पास पैन कार्ड है मतलब कि पैन कार्ड नंबर है तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर आपको डाल देना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे की तरफ आपको सिंपली यहां पर अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद यहां पर सिंपली आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का मंथ सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको ईयर डाल देना है। ईयर डालने के बाद यहां पर सिंपली आपको राइट टिक करना है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आना है, यहाँ पर आपको कैप्चर दिया गया है उसे आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने दो तीन ऑप्शंस आते हैं। जब अपना पैन कार्ड बनाया था तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सब कुछ यहाँ पर डाला था। अब यहाँ पर जो भी आपके पास है जैसे कि ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर, उनमें से किसी एक चीज को यहाँ पर सिलेक्ट करें। जैसे कि मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर सेलेक्ट किए लेता हूं और यहां पर दोबारा से कंफर्म की राइट बॉक्स पर राइट टिक किए देता हूं और यहां पर जनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक किए देता हूं। तो यहां पर जो मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आ गया है। इसके बाद मैं यहां पर वैलिड के बटन पर क्लिक किए देता हूं। देखिए यहां पर अब पेड ई पैन डाउनलोड फैकल्टी। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर डाउनलोड पैन का डाउनलोड करने का चार्ज लगता है। तो यहां पर डाउनलोड करने से पहले ये सोच लें कि यहां पर आप पेमेंट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो यहां पर पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि यहां पर लिखा भी है डाउनलोड ई पैन कार्ड। तो यहां पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद पेमेंट करें और अपना पैन कार्ड डाउनलोड करें। और अगर आप अपने घर पर मंगवाना चाहते हो, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर पैन कार्ड रीऑर्डर करने का जो ऑप्शन दिया गया है वो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, तो आप उसे भी आजमा सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो इसी प्रोसेस से डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट अपने घर पर अपना पैन कार्ड मंगवाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको सिंपली टाइप कर देना है पैन कार्ड रीप्रिंट। सिंपली आपको यहाँ पर गूगल पर पैन कार्ड रीप्रिंट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक आएगी रिक्वेस्ट फॉर रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोबारा से वही पैन नंबर और आधार नंबर और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर क्लिक कर देना है। वैसी ही प्रोसेस रहेगी यहाँ पर भी वहां पर भी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि जैसे कि यहाँ पर लिखा है रिक्वेस्ट फॉर रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड, लेकिन यहां पर आपका लिखा है डाउनलोड ई पैन कार्ड। यहां पर ये दोनों वेबसाइटें आपकी एनएसडीएल की हैं, डाउनलोड करने की भी और रीप्रिंट करने की भी। लेकिन अगर आप चाहें तो यहां पर यूटीआई की भी वेबसाइटें होती हैं जहां से आप अपना पैन कार्ड दोबारा से रीप्रिंट करवा सकते हो या फिर डाउनलोड करवा सकते हो अपना पैन कार्ड। तो यहां पर दोनों ही वेबसाइट सेम ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कराती हैं। आप अगर यूटीआई के थ्रू डाउनलोड करना चाहो तो यूटीआई डाउनलोड पैन कार्ड लिखकर गूगल पर सर्च कर दीजिएगा, तो यहाँ पर यूटीआई के थ्रू डाउनलोड कर सकोगे। यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पर चाहे आपने यूटीआई से पैन कार्ड बनाया हो या फिर एनएसडीएल से, किसी भी कंपनी से आप ऑर्डर कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से यहां पर आपको अपना पैन कार्ड डाउनलोड करना है और यहां पर किस तरीके से अपना पैन कार्ड, फिजिकल पैन कार्ड अपने घर पर मंगवाना है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से अपनी राय भी दें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो दिए गए इंस्टाग्राम को फॉलो करने के बाद आप मुझसे पर्सनली बात कर
कर सकते हो, वहां पर मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।